विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मित्र और इस विभाग के यशस्वी मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, इसी विभाग के राज्य मंत्री यशोपद नायक जी, इस विभाग के सेक्रेटरी श्री अरविंद सिंह जी, डीजी कमलावर्धन राव जी, राकेश जी, रूपिंदर बरार जी, सभी पर्यटन उद्योग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए टूर एंड ट्रेवल्स के यूएन के सभी मेरे साथीगण, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देशी विदेशी पर्यटकों को भारत लाने के लिए व्यापक रूप से प्रयास कर रहे इस विभाग को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लगातार आपके प्रयास से हम भारत को एक टूरिज्म हम बना पाए हैं, लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों के कोरोना संक्रमण वायरस के कारण देशी और विदेशी पर्यटन पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। इस कारण से इस उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग जो सामाजिक, आर्थिक और आजीविका से रूप से भी एक विपरीत प्रभाव उनके जीवन में पड़ा है। परंतु धीरे धीरे पूरे विश्व और विशेष रूप से भारत में कोविड संक्रमण का प्रभाव कम होने के कारण देशी और विदेशी पर्यटक अब भारत में आने लगे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में मेरा जाना हुआ था और जिस बड़ी संख्या के अंदर वहां विशेष रूप से देशी पर्यटक थे, कुछ विदेशी पर्यटक भी थे जो जम्मू कश्मीर, जो लेह लद्दाख भारत का मुकुट है, वहां पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है तो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख है। लेकिन हमें इन सब चीजों के लिए एक व्यापक प्रयास करने की कार्य योजना बनानी पड़ेगी। इस पर्यटन उद्योग को रिवाइवल करने के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। जी किशन रेड्डी जी ने बताया कि हम देश के अंदर अलग अलग सेक्टरों को, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, पश्चिम हो, सभी अलग अलग सेक्टर्स के टूरिज्म मिनिस्टर की, टूरिज्म से जुड़े हुए टूर ऑपरेटरों के साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पर्यटन उद्योग को रिवाइवल कर सकें। मुझे आशा है कि भारत ने जिस सामूहिक प्रयासों के साथ, सामूहिक संकल्पता के साथ कोरोना वायरस को रोकने में सफल हुए, इसी तरीके से हम हमारी प्रतिबद्धता के साथ इस पर्यटन इंडस्ट्रीज को भी और डेवलप कर पाएंगे ताकि देश और दुनिया के लोग भारत आ सके। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है।
हमारे देश की अनूठी तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं हमारी भौगोलिक विविधताएं पूरे विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करती है। क्योंकि हम जब भारत को देखते हैं तो दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां अलग अलग भौगोलिक विविधताएं हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं रेगिस्तान हैं, कहीं झरने हैं, कहीं बावड़ियां हैं, तालाब हैं, कहीं प्राकृतिक है, कहीं आध्यात्मिक है। एक ऐसा देश है हमारा जहां हम दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। मैं जहां से आता हूं राजस्थान से, पधारो हमारा देश, अतिथो देव भव, ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। और राजस्थान जो पूरे विश्व के अंदर हेरिटेज टूरिज्म के रूप में डेवलप हुआ है, राजस्थान के अंदर आज भी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, वहाँ की समृद्ध और गौरवशाली विरासत, प्राचीन किले, हवेलियाँ, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव, वहाँ के रेगिस्तान आज भी दुनिया के पर्यटक यहाँ देखने आते हैं। और इसीलिए हमको अलग अलग सेक्टरों को, अलग अलग क्षेत्रों को टूरिस्ट के हिसाब से वापस डेवलप करने की आवश्यकता है। क्योंकि पर्यटन ही अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। और विश्व में कई देश तो ऐसे हैं जहां की आर्थिक स्थिति पर्यटन पर टिकी हुई है। मैं विश्व के कई देशों में देखता हूं और वहां के जब आर्थिक आकलन करता हूं तो पता चलता है कि वहां इकोनॉमी जो टिकी हुई है उसमें 50-60% हिस्सा टूरिज्म का है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए दुनिया में टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर आज की तारीख में है। और इसलिए हमें इस दिशा की ओर कारगर कदम उठाने चाहिए। पर्यटन से हमारे कई सेक्टर जुड़े हैं, विशेष रूप से परिवहन, आईटी, होटल इंडस्ट्रीज, लेकिन ये तो सीधे जुड़े हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो सारा कारोबार और सारा इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग सेक्टर, हस्तकला सेक्टर, तमाम सेक्टर पर्यटन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और भारत के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का 5% हिस्सा आज भी पर्यटन का। और रोजगार की दृष्टि से हम देखें तो आज भारत में सबसे रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर है तो पर्यटन क्षेत्र है, जहां पर 13% हिस्सा रोजगार का पर्यटन से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और हमने निश्चित रूप से विश्व पर्यटन इंडेक्स में पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई टूरिज्म स्थान डेवलप किए, नए पर्यटन के क्षेत्र बनाए, जिसके कारण जो हमारा इंडेक्स 65वें स्थान पर था आज हमारा इंडेक्स 34वें स्थान पर आ चुका है। क्योंकि एक विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कई क्षेत्रों को पर्यटन दृष्टि से डेवलप करने का काम किया। आज जब मैं देख रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति जो केवड़िया गुजरात में एक ऐसा स्थान डेवलप किया जहां पर हमें समृद्ध भारत का इतिहास भी पता चलता है, जहां पर हमारी नदी, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य
और विशेष रूप से वहां मैंने देखा कि किस तरीके से उस आदिवासी इलाके के अंदर आदिवासी नौजवान और युवतियां किलोमीटर दूर से आकर उस पर्यटन क्षेत्र में काम करती है।